यह कहानी ऐसे बच्चे की है जो कि इस दुनिया में अकेला है, उसके माँ बाप नहीं है। एक दिन वह बगीचे में जा रहा होता है तो वह देखता है कि एक माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है। यह देखकर वह उदास हो जाता है और सोचता है कि काश मेरी भी माँ होती तो मुझे भी इस बच्चे की तरह खाना खिलाती और प्यार करती। यह उदास चेहरा लेकर वह बगीचे से बाहर निकलता है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि अपने पिता के साथ कार से उतर रहा होता है। यह देखकर वह उदास हो जाता है और सोचता है कि काश मेरे भी पिता होते। फिर वह बगीचे में पेड़ के नीचे आकर एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी एक चमत्कार होता है। उतने में वहाँ एक तितली आती है और उसके आसपास घूमने लगती है, तंग करने लगती है, कभी उसके बालों को छेड़ती है तो कभी उसके आसपास मंडराती है, कभी उसकी नाक पर बैठती है तो नाक से हिलाता है तो उड़ जाती है। वह तितली को देखता है तो उसे लगता है कि वह तितली उसे चिढ़ा रही है, पर नहीं उसने सोचा चिढ़ा नहीं रही है, पर बाद में उसे यकीन हुआ यह तितली उसे चिढ़ा रही है। वह उठकर उसके पीछे भागता है। वह तितली उड़ते उड़ते एक स्कूल लिटरेसी इंडिया में पहुंचकर मेज पर रखी किताब में खो जाती है। उसी स्कूल में वह लड़का एनिमेशन सीखता है। वह आज हमारे जैसे बच्चों के लिए फिल्में बनाता है। तभी कहते हैं, हिम्मत ना हारो तुम, घबराओ कभी ना तुम, ठानी है जो तुमने मन में पूरा कर उसे दिखलाओ तुम।